सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 67। ए बी सी पार्टनर है फर्म के अंदर, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 30,000, विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो मतलब जो कैपिटल दी होगी वो क्लोजिंग कैपिटल दी होगी हमारे को, अमंग द पार्टनर इन देयर एग्रीड रेशियो। जो रेशियो क्या थी, 3:1, 1:1 रिस्पेक्टिवली। इट डिस्कवर, तो डिस्कवर क्या किया गया कि 10 अप्रैल को जाके पता लगा कि जो प्रॉफिट 2015-16 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन आर नोट पास्ट, उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन दी गई है उनको पास नहीं किया गया है बुक्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। क्या क्या रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहती है 6% पर एनम से। कैपिटल कितनी है, ए की, बी की, सी की कितनी है, 50,000, 40,000 और 30,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, 350, 250, 150। ठीक है, निकाल के दिया हुआ है। पार्टनर की सैलरी दे रखी है 5,000, 7,500। कमीशन कहता है स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए, निकाल के दिया हुआ है, कोई निकालने की जरूरत नहीं है, 3,000। रिक्वायर्ड क्या है, जर्नल एंट्री पास करनी है, नोट अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर फर्म रेक्टिफाई पोजीशन पार्टनर इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस केस में आपके पास दो सोल्यूशन हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट को वापस लो या ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लेके वापस भी बात करेंगे। ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी पार्टनर है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू टेक बैक रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है ना, 3:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं पार्टनर को। ठीक है ना, कितना प्रॉफिट था, 30,000। ठीक है ना, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 3:1:1। तो 30,000 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, अगर आप क्या करते हो 30,000 को 4 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है एक हिस्से में, 30,000 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा, 75,000 हर पार्ट में आ जाएगा। एक को कितने देने हैं, इससे कितने लेंगे हम, 7,500। इससे भी कितना लेंगे, 7,500, और इनसे कितना लेंगे, इंटू 3। ठीक है ना, इससे लेंगे हम 22,500। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहता है, अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 6%, और कैपिटल हमारे को ओपनिंग दे दी, अब की बार लिख देंगे। तो यह क्या लिखेंगे, टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। ठीक है, तो 6% सबसे पहले 1% निकाल लो, 2 जीरो काट दो पीछे वाली। ठीक है, 1% कितना आएगा, 500, 6% कितना आ जाएगा, 3,000। ठीक है, तो 3,000 इसको प्रोवाइड कर दो। सेकंड वाले को कितने देने हैं, 6,2400 प्रोवाइड कर दो। ठीक है, थर्ड वाले को कितने देने हैं, 3,1800। ठीक है, तो 1,800 प्रोवाइड कर दो। तो टोटल आपके अकाउंट में से कितने पैसे आ गए थे और कितने कट गए हैं, आए कितने आपके अकाउंट में, टोटल आए हैं आपके अकाउंट में 30,000। ठीक है, 30,000 आपके अकाउंट में आए हैं, और अब कितने कटे हैं आपके अकाउंट से, 3,000 प्लस 2,400 प्लस 1,800। ठीक है, तो टोटल अकाउंट में से आपके कटे हैं 7,200 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको मिली है, तो लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है ना, ए से कितनी मिली हमारे को, 350, इससे चार्ज कर लेंगे। बी से कितनी मिली है, 250 चार्ज कर लेंगे, और इससे कितनी मिली है, 150 चार्ज कर लेंगे। तो 350 प्लस 250 प्लस 150, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 750 हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी। उसके बाद कहता है पार्टनर को सैलरी दे दो, ए को और बी को। ठीक है ना, तो दे देंगे प्रोवाइड सैलरी। ठीक है ना, सैलरी टू पार्टनर कितनी दे देंगे, ए को देनी है 5,000। ठीक है, और बी को कितनी देनी है, 7,500। ठीक है, और सी को कुछ देना नहीं है, तो 5 और 7 कितने जाते हैं, 12,500, ये प्रॉफिट लॉस से कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है कमीशन देना है, किसको देना है, ए को, कितना देना है, 3,000। लिखेंगे प्रोवाइड कमीशन एज पर डीड, किसको देना है, ए को, कितना दे देंगे, 3,000। ठीक है, उसके बाद बी को कुछ नहीं देना, सी को कुछ नहीं देना, 3,000 यहाँ से काट लेंगे। ठीक है,
उसके बाद कुछ बचा नहीं है, प्रॉफिट को क्या करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किस रेशो के अंदर, 3:1 के अंदर। तो प्रॉफिट देखो आपके पास कितना बचा है, तो अब टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 30,750, 30,750, 30,750, ठीक है। इसमें से क्या माइनस हो चुका है, 7200 तो एक माइनस हो चुका है, और क्या माइनस हो चुका है, 12,500 एक माइनस हो चुका है, और क्या माइनस हो चुका है इसमें से, 3,000 एक माइनस हो चुका है। तो हमारे पास कितना बैलेंस बचता है, 8,050, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, 8,050, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है ना, कितने में, 3:1 में। तो कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करो इसको, 5 से डिवाइड करेंगे अगर 5 से, तो कितना आएगा रिंसे में, 1610 आएगा रिंसे में, कितना आएगा, 1610, ठीक है ना। इसको कितने देने हैं, 1610, ठीक है, दे देंगे भाई। इसको भी कितने देने हैं, 1610 दे देंगे, और इसको कितने देने हैं, इंटू 3 से देने हैं, ठीक है ना। ये कितने देने हैं इसको, 4830, ठीक है ना। अब इसका टोटल देख लेते हैं कितना बनेगा, ठीक है, ये कितना हो जाएंगे, 30,750, ठीक है, ये तो इक्वल हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो आंसर है उसके अंदर कुछ मिस्टेक है, क्योंकि जो 30,000 का जो प्रॉफिट था ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था, ये 3:1:1 है, तो 3 और 1 4 और 1 5 है, तो 30,000 को आप 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो हर पार्ट के अंदर कितना आएगा, 6,000 आएगा, ठीक है ना। तो इससे कितने लेंगे, 6,000, 6,000 और 18,000, तो इससे कितने लेंगे हम, 18,000, ठीक है, और इससे कितने लेंगे हम, 6,000, ठीक है, और इससे भी कितने लेंगे, 6,000 जो सी है, ठीक है ना। तो दोनों से 6,000 और ऐसे कितने लेंगे, 18,000। अब देखते हैं कैलकुलेशन करके कितना बनता है, ये बनेगा आपका 0 1, और ये 4, और ये कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6,150। ये कितना आ जाएगा आपका, 0, ये 1, 2400 प्लस 7500 प्लस 1610, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 11,510, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 6,250, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, 3,000, 5,000, 8,000, 8 और 3, 11,000, 11 और 4, 15,830, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 18,350, ये कितना हो जाएगा, 18,350। तो 18,350 में से माइनस कितना करोगे आप, 15,830, ठीक है ना, 830। तो मेरे पास आंसर आएगा यहाँ पर 2,000, ठीक है ना, 2,520, ठीक है ना। ये किसकी वजह से आया, ये डेबिट की वजह से आया, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर कितना है आपका, 11,000, तो कितना है यहाँ पर, 11,510, ठीक है, इसमें से कितना माइनस करोगे आप, माइनस करोगे इसमें से 6,250, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आंसर आएगा 5,260। किसकी वजह से आया, ये आया क्रेडिट की वजह से। नेक्स्ट अगर हम थर्ड केस की बात करें, तो यहाँ कितना आएगा, 6,1, ठीक है ना, 6,150, माइनस कितना करोगे, 3,4,110, 1,0, तो कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा 2,740, ठीक है। किसकी वजह से आया, ये आया आपका डेबिट की वजह से। तो डेबिट में कौन कौन से डालनी है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए के कैपिटल में कितना डालोगे आप, 2,520, और सी के कैपिटल अकाउंट में कितना डालोगे आप, 2,740, और टू क्या लिखोगे, बी कैपिटल, बी के कैपिटल में कितना जाएगा, 5,260, ठीक है। अब टोटल करके देखते हैं कितना बनेगा, ये बनता है 0, 4 और 6, 5 और 2, 5 और 7 कितने हो जाते हैं, ये 12, ठीक है, 2 2 4 5, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन करेक्ट बनता है। तो आपने ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।